माजी में ये आ रहा था, जो कि अभी आपकी हुकूमत ने प्लानिंग का हिस्सा उसको बनाया है। जिस तरह हैदराबाद सक्कर मोटरवे का हमारा इश्तियार आ चुका है, बिड्स भी आ गए हैं, तो PC1 में हमने मोटरवे पुलिस को भी उसमें रखा हुआ है, क्योंकि सड़कें तो नहीं बनती जा रही थी, लेकिन उस पर डिप्लॉयमेंट होगी। आपने ट्रैफिक को रवा रखना है, लोगों के लिए आसानियां बनानी है, तो ये तमाम चीजों के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं था। रिक्रूटमेंट वही थी जब मोटरवे बना था पहला, और मोटरवे पुलिस हायर किए गए थे वही थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने 1300 किलोमीटर से ज्यादा की डिप्लॉयमेंट की, जो कि पुराने जितने भी मोटरवे थे उससे ज्यादा की डिप्लॉयमेंट हमारे दौर में मोटरवे के ऊपर हुई है। तो ये हमने प्लानिंग का हिस्सा बना दिया। अब जब ये बात मैं कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि सड़कों की शहरयार अफरीदी साहब यहां पे बैठे हैं, इससे एक और सड़क इसके साथ मिलती है, कोहाट पिंडी गैप, सरवर खान साहब का भी हल्का बनता है, तो कोहाट पिंडी गैप भी इंशाल्लाह 30 जनवरी को हम मुकम्मल कर लेंगे। इसके साथ हमारा गंबेला की यहां पे एक सड़क बनती है, जो कि मार्च 30 तक हमने टाइम दिया हुआ है कि आपने उसको भी मुकम्मल कर देना है। तो ये सड़कें शुरू भी कर दी थी, और अब कंप्लीशन की तरफ भी अल्लाह का शुक्र है कि बढ़ रही है। मैं सड़कों की बात कर रहा था, तो सोचा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब कल हमारी जो अपनी रूटीन आपने जब जिम्मेदारी दी, तो कुछ टारगेट्स हमने रखे थे अपने पहले 100 दिन में, और मैं NHA को खिराज तहसीन पेश करता हूं, सेक्रेटरी साहब, चेयरमैन, IG, तमाम जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको, कि पहले 100 दिन में जो हमने टारगेट्स रखे वो NHA के लिए आगे बढ़ने का एक रास्ते का तायुन हुआ, एक डायरेक्शन मिली। फिर हमारा 3 साला प्लानिंग भी उसी के मुताबिक थी, 5 साला प्लानिंग भी उसी के मुताबिक थी। आज जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये हमने पहले दिन जब वजारत संभाली तो हमने 5 साल के टारगेट्स रखे थे कि हम 5 साल में अचीव करेंगे, लेकिन NHA और पूरी टीम दाद के मुस्तहिक है कि 5 साला टारगेट अल्लाह का शुक्र है कि हमने 3 साल में मुकम्मल कर लिए हैं, और मैं आज आपके सामने वो प्रेजेंट करूंगा। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब, हम 10 साला टारगेट्स भी अभी हमारे आ रहे हैं, क्योंकि 5 साल वाले हमारे हो गए, तो हमने NHA को न सिर्फ यहां पर सड़कें बनानी है, महरूम इलाकों को प्रायोरिटी देनी है, टूरिज्म का फरोग करना है, माशी सरगर्मियां पैदा करनी है, बल्कि रीजनल कनेक्टिविटी के ऊपर भी हमारा फोकस है, हम उस तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो हमारी 10 साल प्लान में इंशाल्लाह वो चीजें भी होगी। मैं पहला जो यहां पे पॉइंट है, और ये NHA की वेबसाइट पे ये मौजूद है, अगर किसी ने क्रॉस चेक करना है, क्योंकि यहां पर आदाद शुमार के ऊपर हमेशा से गुफ्तगु होती है, तो डिबेट होती है। मैं इसलिए ये प्रेजेंट कर रहा हूं, हम जितनी भी सेहत इंसाफ कार्ड, मुफ्त इलाज आ गया, एहसास प्रोग्राम आ गया, कोरोना को जिस तरह डील किया पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है, कि पाकिस्तान ने जो मुश्किल सूरत हाल थी, और दुनिया का सबसे बड़ा 100 साल का बड़ा क्राइसिस था, जिसमें मईशतें भी तबाह हो गई और हेल्थ सिस्टम भी नाकारा हो गया, लेकिन आज पाकिस्तान ने जिस तरह उसको डील किया, उसकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, हमारे एहसास से खिताब कर रहे हैं।